हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा चैनल है वंदना ब्लॉग्स। मैं हूँ वंदना। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोमोज की रेसिपी। मैंने देखी मोमोज अपने देसी स्टाइल में कैसे घर पे बनाया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। मैं उसमें ग्रीन चिली डाल रही हूँ कट करके। अब मैं उसमें चॉप्ड गार्लिक और लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ। लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के हम इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे प्याज लिया है और ये मैंने पत्ते गोभी को क्रश कर लिया है, तो क्रश किया हुआ चॉप किया हुआ पत्ता गोभी ऐड कर रहे हैं और इसमें साथ ही प्याज ऐड करूँगी। आप चाहो तो इसमें शिमला मिर्च ऐड कर सकते हो, गाजर ऐड कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हो। मैं बना रही हूँ पनीर मोमोज, तो मैं इसमें वेजेस के साथ पनीर ऐड करूँगी। अब देखिए मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट के अनुसार आप नमक डालकर इसे 1 मिनट तक भूनिएगा, जिससे जो पत्ते गोभी का पानी है वो पानी भी सूख जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैं इसमें देखिए मैं बाजार वाली मोमोज बना रही हूँ, इसलिए मैंने पनीर को स्लाइसेस में कट कर लिए, ऐसे स्क्वायर में छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए। आप चाहो तो पनीर को क्रश करके भी डाल सकते हो, इससे जो पनीर का टेक्स्चर बहुत बढ़िया लगता है और मोमोज जब हम लोग स्टीम करके खाते हैं, स्टीम हो या फ्राई हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ज़रूरी है। अभी देखिए इसमें साथ ही ऐड कर रही हूँ मैंने हरा धनिया ऐड किया। ये हमारा मसाला जो है बन के तैयार है। साथ ही में देखिए मैंने आटा लगा के पहले से रख लिया था, जिसकी छोटी छोटी लोइयाँ कर ली हैं। अब मैं इस लोइयों को एकदम छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। बॉल्स को एकदम पतला पूरी की तरह बेल लेंगे। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, बस इसके किनारे जो है एजेस जो है मैं इसे पतले करूँगी। बीच में हमें इसे बहुत ज़्यादा घसना नहीं है, नहीं तो हमारा मोमोज जो अच्छे से बनेगा नहीं और फट जाएगा। अब देखिए ये मैंने पूरी की तरह बेल लिया। बहुत छोटी छोटी लोइयाँ होनी चाहिए, बहुत मोटे और बहुत पतले नहीं हो। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए इसके एजेस देखिए कितने पतले। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून मिक्सर डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे मिश्रण जो बना के रखा था, अब मैं ऐसे देखिए छोटे छोटे प्लेट्स करके इसे गोल शेप देंगे। जो हमारे वो बाज़ार में मिलते हैं ना गोल वाले मोमोज, मैं आपको 2 तरीके का मोमोज बना कर दिखाऊँगी। ये देखिए एजेस को मिला देंगे हम, एक कॉर्नर में ले जा कर मिला लेंगे। ये देखिए हमारा मोमोज जो है बन के तैयार है। इसी तरह हम बहुत सारे मोमोज बना के रख लेंगे। मैं आपको दूसरा बना के दिखा रही हूँ। मैंने बीच में मसाला रख लिया है। एक फोल्ड में हम स्टेप्स लगाएंगे और दूसरे को प्लेन ऐसे प्लेन रहने देंगे। इसे देखिए हल्के हाथों से करिएगा। 1-2 बार ट्राई करने से ये मोमोज जो है अपने आप ही बन जाएंगे। ये देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार वाले मोमोज। ये देखिए इतने सारे मोमोज मैंने बना लिए हैं। अब मैं स्टीम करने के लिए एक कढ़ाई में पानी डाल के रख लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने स्टीम में पानी रख लिया और साथ ही प्लेट में पत्ते गोभी का जो पत्ता है वो स्प्रेड कर लिया है। अब मैं मोमोज को रख दूँगी। मोमोज को रखने के बाद इसे 10 मिनट तक स्टीम करेंगे। हमें गैस का फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम फ्लेम में ये स्टीम करेंगे। ये देखिए मोमोज कितने लग रहे ना टेम्पटिंग, कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं और इसका टेस्ट भी बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे घर में एक बार ज़रूर बनाएं। इसे मैंने सर्व किया यहाँ पे सेजवान चटनी के साथ और साथ में मेयोनीज़ के साथ। ये मोमोज़ जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को हिट करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, इन्जॉय, बनाओ और खाते रहो।